नमस्कार, मैं रितेश कुमार। आज हम देखने के लिए आए फोर्ड सम्मान 6000 जो कि एक 50 HP का ट्रैक्टर है और इस ट्रैक्टर में कुछ कुछ आपको डिफरेंसेस देखने को मिल जाएगा बाकी अन्य ट्रैक्टरों के तुलना में। और इसका जो इंजन है इसको फोर्स ने काफी अच्छे तरीके से डिजाइन किया हुआ है, तो आगे इन्हीं सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इंडिया ट्रैक्टर टेक के साथ। चलिए सबसे पहले आपको इसका लुक्स दिखा देते हैं। फ्रंट से यह ट्रैक्टर कुछ इस तरह से दिखाई देता है और इसका जो ग्रिल है काफी बड़े साइज में आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे, जिससे इसके अंदर एयर सर्कुलेशन काफी अच्छे से हो पाता है। और ये राइट साइड से फुल व्यू और इसका जो साइलेंसर है कुछ इस तरह से डिजाइन किया हुआ है। और ये रहा रियर लुक, और ट्रैक्टर लेफ्ट साइड से कुछ इस तरह से डिजाइन किया हुआ है। इसका सिंगल पीस बोनेट को ओपन करने के लिए यहाँ पर आपको लॉक देखने को मिल जाएगा और यह कुछ इस तरह से ओपन होता है। और इसको ओपन किए होने के लिए अंदर में दो गैस रॉड लगाकर दिया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं इसके इंजन से। इसमें 2596 cc का 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन देखने को मिल जाता है। और इसका जो टर्बोचार्जर है यह इंटरकूलर के साथ में आता है और ये जो इंटरकूलर है काफी बड़े साइज में आपको सामने में ही मिल जाएगा। और टर्बो के लिए इंटरकूलर देने से यह फायदा हो जाता है कि जब आप अपने ट्रैक्टर को हाई RPM पर लगातार चलाते रहते हैं उस कंडीशन में इंजन जो है जल्दी से गर्म नहीं होता है। और ये साइलेंसर के लिए आया हुआ पाइपलाइन और इसका जो मफलर है आपको बाहर में मिल जाएगा। और फोर्स का कहना है कि उसका ये जो साइलेंसर है बाकी अन्य ट्रैक्टरों के तुलना में काफी कम गर्म होता है। और इस इंजन में पिस्टन के लुब्रिकेशन को अच्छे से बनाए रखने के लिए पिस्टन के अंदर में ऑयल जेट स्प्रे सिस्टम लगा हुआ है, जो कि पिस्टन के अंदर लगातार ऑयल का छिड़काव करता रहता है, जिससे आपका जो इंजन है उसका लाइफ और भी अधिक बढ़ जाता है। इसके अलावा इसके जो रॉकर्स हैं वो आपको कार्बाइड के साथ में मिल जाएंगे, जिस वजह से इसमें आपको टैपेट सेटिंग करने की जरूरत नहीं होती है। और फोर्स का यह टर्बो चार्जर कम RPM पर भी काफी अच्छे से वर्क करता है, जिस वजह से लो RPM पर भी टर्बो लैग की समस्या नहीं होगी। और इसमें ड्राइवर के सुविधा का काफी अच्छा ध्यान रखा गया है, जैसे कि देख पा रहे होंगे यहाँ पर हीट गार्ड मिल जाता है। इसके अलावा अंदर साइड में हीट रिफ्लेक्टर लगाकर दिया हुआ है, जिससे जो इंजन का गर्मी है वो इसी कंपार्टमेंट में ही रह जाए, इस तरफ न पहुंच सके। और यह ट्रैक्टर 50 HP का पावर 2200 इंजन रेटेड RPM पर और लगभग 180 से 190 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और किसान भाइयों, आपका थोड़ा सा समय लेकर हम आपको यहां बताना चाहते हैं कि हमने ट्रैक्टर कंपैरिजन के लिए आजाद ट्रैक्टर नाम से नया चैनल बनाया हुआ है और इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों जगह पर मिल जाएगा, तो आप यहां पर जाकर किसी भी ट्रैक्टर का कंपैरिजन वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको हमारा कंपैरिजन वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए अब टॉपिक पर वापस आते हैं। इसमें 7/50/16 के फ्रंट टायर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इसमें जो नट बोल्ट यूज किए हुए हैं ये सभी कॉलर्स के साथ में आते हैं। और ये रहा इसका रिम का डिजाइन। और रियर में 16x28 का टायर मिल जाएगा। और ये जो टायर है MRF का दिया हुआ है। और यहाँ से भी आप ये नट बोल्ट के डिजाइन को देख पा रहे होंगे और इसका जो थिकनेस है आपको अच्छा खासा मिल जाता है। और ये रहा फेंडर का फुल लुक। इसमें 54 लीटर का मेटल का डीजल टैंक मिल जाता है, जो कि आता है वाटर सेपरेटर और दो डीजल फिल्टर के साथ में। और इस इंजन के लिए जो ऑयल फिल्टर है यह ऑयल कूलर के साथ में आता है। इसका मतलब इसके इंजन में जो ऑयल यूज होता है उसको भी लगातार कूलेंट के माध्यम से ठंडा किया जा रहा होता है। यहाँ से आप लेबलिंग प्लेट को देख पा रहे होंगे और इसमें 265 ग्राम पर किलोवाट आवर का SFC मिल जाता है। इसके अलावा 32 किलोवाट का PTO पावर दिया हुआ है। बात करें इसके पीटीओ का, तो इसमें 32 किलोवाट का 6 स्प्लैंड पीटीओ मिल जाता है, जो कि आता है 540 स्टैंडर्ड और 1000 RPM स्पीड के साथ में। इसका मतलब इसमें आपको डुअल पीटीओ स्पीड मिल जाएगा। और ये जो पीटीओ शाफ्ट का लोकेशन है आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। और इसका जो हीचिंग पॉइंट है यह एडजस्टेबल दिया हुआ है। और इसमें 3 पॉइंट सेंसिंग के साथ में ऑटोमेटिक डेप्थ एंड ड्राफ्ट कंट्रोल सेंसर मिल जाएगा। चलिए इसके हाइड्रोलिक्स की बात कर लेते हैं। इसमें 1450 kg की लिफ्टिंग कैपेसिटी दी हुई है। और यहाँ पर ये आर्म्स वगैरह के थिकनेस को देख पा रहे होंगे और इसमें कुछ इस प्रकार से स्टेबलाइजर मिल जाता है। और जो कनेक्टिंग पॉइंट्स है काफी अच्छे तरीके से इसे कनेक्ट किया हुआ है। अगर इसके रियर एक्सल की बात करें तो इसमें AP साइक्लिक रिडक्शन के साथ में ट्रैक्टर इंडस्ट्री में आने वाला सबसे बेस्ट रियर एक्सल दिया हुआ है। और शायद इसमें कुछ ग्रीसिंग वगैरह भी आपको करने की जरूरत नहीं है। और इसी एक्सल की मदद से इस ट्रैक्टर को आप बिना किसी टूट फूट के टेंशन के पर्डलिंग जैसे कामों के लिए भी यूज में ले पाएंगे। और ऑक्सिलरी वाल्व के लिए यहाँ पर कंपनी फिटेड आपको पाइपलाइन मिल जाएगा। और इसका जो ट्रांसपोर्ट लॉक है ये नीचे में दिया हुआ है। और यहाँ पर आपको एक लीवर मिल जाता है, इसको अगर आप ऊपर की ओर कर देंगे तो ये जो येलो वाला लीवर है ये ड्राफ्ट कंट्रोल के रूप में काम करेगा। और अगर इसे आप नीचे की ओर कर देंगे तो वही सेम लीवर पोजीशन कंट्रोल लीवर के रूप में काम करता है। और सीट के पीछे में आपको कुछ इस प्रकार से रिफ्लेक्टर मिल जाएगा। और ये रहा बोतल होल्डर। और प्लाउ लैंप यहाँ पर मिल जाता है और नंबर प्लेट के लिए जगह और वहाँ पर लाइट भी दिया हुआ है। और इस ट्रैक्टर में जो फेंडर गैप है इसको काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। और अगर आप इस HP कैटेगरीज के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं।
और आपको इस HP कैटेगरी में। अगर कोई ऐसा ट्रैक्टर है जो कि लगता है इस ट्रैक्टर से बेहतर है तो हमें कमेंट बॉक्स में उस ट्रैक्टर का नाम जरूर बताएं। तो चलिए ट्रैक्टर को स्टार्ट करके आपको इसका आवाज़ सुना देते हैं। और इसे स्टार्ट करने के लिए आपको ये जो स्पीड लीवर है इसको भी न्यूट्रल करना होगा, या फिर अगर आप इसे न्यूट्रल नहीं करेंगे तो क्लच प्रेस करके इसे ऑन कर सकते हैं। और जो स्टेबल रिस्पॉन्स है काफ़ी बेहतर मिल जाता है। और यहाँ से आप इसके फ्रंट एक्सल को देख पा रहे होंगे, इसमें नॉन एडजस्टेबल टाइप फ्रंट एक्सल दिया हुआ है। इसके अलावा जो इसका स्टीयरिंग है यह सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग मिल जाता है, और स्टीयरिंग के लिए सेपरेट ऑयल कंटेनर दिया हुआ है, जिस वजह से इसका जो स्टीयरिंग का परफॉर्मेंस है वो लंबे समय तक आपको बेहतर देखने को मिलता रहे। और स्टीयरिंग के पाइपलाइन में काफी अच्छा प्रोटेक्शन भी लगाया गया है। फोर्स ने यहाँ पर स्टीयरिंग के लिए सेपरेट पंप लगाया हुआ है जो कि बेल्ट के माध्यम से ऑपरेट होते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसे बेल्ट से कनेक्ट किया हुआ है, और ये बेल्ट सेफ्टी गार्ड भी लगाया हुआ है, और ये पाइपलाइन जो कि ऑयल कंटेनर में गया हुआ है। प्लेटफॉर्म पर चढ़ने के लिए यहाँ पर सिंगल फुट स्टेप मिल जाएगा, और इसका जो प्लेटफॉर्म है कुछ इस तरह से बनाया गया है, और बीच में आपको हम्प देखने को मिल जाएगा, और ये बैठने के बाद समझ आएगा कि यह कितना आरामदायक है। और अगर इसके क्लच को देखें तो इसमें डुअल क्लच मिल जाता है, इसका मतलब इसको हाफ प्रेस करने पर यह ट्रांसमिशन काम करेगा और फुल प्रेस करने पर यह PTO के लिए काम करता है। और ये रहा इसका एक्सीलेटर पैडल, और इसके ब्रेक को लॉक करने के लिए यह अरेंजमेंट मिल जाएगा। और राइट साइड में डिफरेंशियल लॉक दिया हुआ है जिसकी मदद से आप ट्रैक्टर के फंसे हुए कंडीशन में इसे प्रेस करके दोनों व्हील को एक साथ रोटेट करके आप ट्रैक्टर को निकलने में सहायता कर सकते हैं। और इसका जो हाइड्रोलिक ऑयल फिल्टर है यहीं पर मिल जाएगा, इसको आप ऑन ऑफ भी कर पाएंगे। मतलब फोर्स ने इसमें जो हाइड्रोलिक पंप है इसको यहाँ पर दिया हुआ है, और स्टीयरिंग का हम आपको पहले ही बता चुके हैं। और यह ट्रैक्टर नीचे से कुछ इस प्रकार से डिजाइन किया हुआ है, और इसमें ग्राउंड क्लियरेंस का काफी अच्छा खासा ध्यान रखा गया है। ट्रैक्टर पर बैठने के बाद कुछ इतना व्यू देखने को मिल जाता है, और इसका जो प्लेटफॉर्म है फ्लैट नहीं है, उसके बाद भी आपको काफी आरामदायक मिल जाता है। और जो पैडल्स हैं नॉर्मल टाइप के दिए हुए हैं। अगर इसके गियर बॉक्स को देखें तो इसमें 1, 2, 3, 4 और रेंज लीवर में हाई लो रिवर्स का गियर दिया हुआ है, इसका मतलब इसमें 8 फॉरवर्ड प्लस 4 रिवर्स गियर मिल जाता है। और जो गियर बॉक्स है ये सिंक्रोनस टाइप का दिया हुआ है, जिस वजह से इसको अगर आप टॉप गियर से लो गियर में भी शिफ्ट करेंगे तो यहाँ बिना किसी आवाज के आसानी से शिफ्ट हो जाते हैं। तो फोर्स ने काफी अच्छा काम किया हुआ है गियर बॉक्स में, और रेंज लीवर में रिवर्स गियर देने से यह फायदा होता है कि यह बिल्कुल शटर शिफ्ट लीवर के रूप में काम करने लग जाता है। मतलब जिस गियर में आप आगे जाते रहेंगे उसी गियर में एक लीवर की मदद से रिवर्स भी आ पाएंगे। और 50 HP श्रेणी में और कौन कौन से ट्रैक्टर के बारे में आप जानते हैं जो कि सिंक्रोनस टाइप का गियर बॉक्स देता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में उस ट्रैक्टर का नाम जरूर बताएं। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एनालॉग टाइप में दिया हुआ है, और ये रहा हैंड थ्रोटल लीवर, इग्निशन की, नीचे में मोबाइल होल्डर मिल जाएगा पार्किंग लाइट्स ऑन ऑफ करने के लिए, चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाता है और इंजन स्टॉप करने के लिए। और इसमें कॉम्बिनेशन टाइप का स्विच दिया हुआ है बिल्कुल कार स्टाइल में, इसी से ही आप टर्न इंडिकेटर्स को ऑन ऑफ कर पाएंगे, और भी सभी लाइट्स के कंट्रोल यहीं पर मिल जाएंगे, और जो हॉर्न का बटन है आपको यहां पर मिल जाता है। लेफ्ट साइड में PTO लीवर मिल जाएगा, इसमें 540 स्टैंडर्ड और 1000 RPM दिया हुआ है। और ये रहा मेटल का टूल बॉक्स, और राइट साइड में 2 लीवर दिया हुआ है, और इसी लीवर को ही आप पोजिशन कंट्रोल ड्राफ्ट कंट्रोल दोनों के रूप में यूज कर पाएंगे, और इसके ऑक्सिलरी वाल्व को कंट्रोल करने के लिए। अगर आप इस ट्रैक्टर को परचेस करना चाहते हैं और या फिर इसके कीमत से रिलेटेड कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर और लोकेशन दोनों मिल जाएगा, तो आप शोरूम में जाकर भी विजिट कर सकते हैं। और यहाँ पर फेंडर में दोनों साइड आपको कुशनिंग मिल जाएगा, और ये जो फेंडर ग्रिल है ये काफी अच्छे बड़े साइज में दिया हुआ है। और ये जो ड्राइवर सीट है इसमें आर्म रेस्ट देखने को मिल जाएगा, जिसकी मदद से यह सीट और भी कंफर्टेबल हो जाता है। और इस ट्रैक्टर में आपको स्टैंडर्ड 3 साल की वारंटी देखने को मिल जाता है। और इसमें गियर बॉक्स और हाइड्रोलिक्स के लिए 35 लीटर का ऑयल यूज करना पड़ता है, और उस ऑयल का जो चेंजिंग पीरियड है वो आपको 1200 घंटे का मिल जाएगा। चलिए ट्रैक्टर के डायमेंशन को देख लेते हैं। इसका जो टोटल लेंथ है ये आपको 3650 mm का मिल जाएगा, और इसमें 2032 mm का व्हील बेस दिया हुआ है, और लगभग 1920 mm का इसमें विड्थ मिल जाएगा। इसके अलावा ट्रैक्टर का जो ग्राउंड क्लियरेंस है आपको 415 mm तक का मिल जाता है, और फ्रंट में कुछ इस तरह से हिचिंग पॉइंट भी दिया हुआ है। और इस ट्रैक्टर का टोटल वेट 2140 kg का मिल जाएगा। इसके अलावा बैटरी बॉक्स आपको राइट साइड में मिल जाता है, और इसी साइड में स्टार्टर मोटर भी दिया हुआ है, और ये रहा इसका अल्टरनेटर, और अल्टरनेटर में आपको मेटल का फ्रेम लगाकर भी दिया जाता है। यहाँ पर आपको सभी प्रकार के फ्यूज बॉक्स मिल जाएंगे।
और इसमें कौन सा फ्यूज किसके लिए है अच्छे तरीके से लिखकर बताया हुआ है। और इस इंजन में ड्राई टाइप का एयर फिल्टर देखने को मिल जाता है और यहाँ से आप ये इंटेक को देख पा रहे होंगे और इसका जो कूलेंट रिजर्वायर है यहाँ पर मिल जाएगा और इंटरकूलर के पीछे में रेडिएटर लगा हुआ है और इसका जो थर्मोस्टेट वॉल है यहाँ पर दिया हुआ है।